हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अन एकेडमी तो आज हम देखने वाले हैं दैट इज रिवीजन ऑफ डी सी मशीन में अगर हम बात करें रिवीजन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कॉम्पिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर एंड मोटर जो कि ऐसा टॉपिक है जिसमें कि थ्योरी में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम रिविजन करने वाले हैं ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जो रिविजन करना टफ हो जाता है बिल्कुल एक एक छोटा छोटा पॉइंट हम देखेंगे और बहुत ही अच्छी स्पीड पे हम चलेगा ठीक है ये जो सेशन है ये बहुत अच्छी स्पीड पे चलेगा इसमें आपको मजा आएगा ठीक है और पूरी चीज़ें आपकी आर्मीचर रिएक्शन कम्पिटिशन ठीक है कैसे हम डिलीट कम्पिटिशन को इम्प्रूव करते हैं आर्मीचर रिएक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं सारे फॉर्मलेट्स देखने वाले हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी जनरेटर मोटर दोनों हम देखने वाले हैं तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जल्दी से लाइक और शेयर कर दो वीडियो को ठीक है आशुतोष वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आशुतोष ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ठीक है तो जैसा आपको पता है कि अन एकेडमी प्लस और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन टारगेट एग्जाम गेट आई एम एस ई एस सी और सी एस सी गोल्ड नेम गेट ई एस सी डब्ल्यू ई सी न्यू बैच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जैन 28 एट जैन से स्टार्ट हो चुके हैं उड़ान 2024 बुनियाद फॉर 2025 ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है सर का छह बजे दैन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय सुजय सर सुजय सर एट 5 पीएम ठीक है यहाँ पे आपको आन अकेडमी और गेट अकेडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हुए मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभी गेट अप टू थर्टी ऑफ दिस रिपब्लिक डे तो ये जो रिपब्लिक डे के टाइम पर जो डिस्काउंट चल रहा है वो आपको यहां पे देखिए प्लस और आईकॉन 24 फोर मंथस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मंथस ट्वेल्ल मंथस ये पर्टिकुलर प्राइजेस आपको मिल रहे हैं ठीक है <coughs> ये है आपका प्राइस हाइक होने के बाद पहले प्राइजेस ये थे करेंट प्राइस ये था प्राइस हाइक होने के बाद ये प्राइस होंगे अभी आपको क्या पे करना है ये पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है तो आप यहां पे ऑलमोस्ट ट्वेंटी आप यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है बट ये डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना होगा कोड जी ठीक है ठीक है गेट अप टू थर्टी परसेंट ऑफ दिस रिपब्लिक डे ज्वाइन द उड़ान एंड बुनियाद बैचेस फॉर गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव स्टार्टिंग ऑन ट्वेंटी एट जेन कल से स्टार्ट हो चुका है तो जितने लोग भी प्लान कर रहे हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि प्राइस बहुत ही जल्दी हाइक होने वाले हैं टेन परसेंट से ठीक है अनलिमिटेड एक्सेस है टू ऑल द बैचेस इन क्लासेस जैसे आप प्लस या आइकॉनिक लेते हैं तो सारे आपको जितने भी बैचेस हैं सबके लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा एक्सेस टू डिजिटल नोट्स एंड होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स इन क्लास डाउट सॉल्विंग बाय टॉप एजुकेटर्स एक्सेस टू फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड पी वाई ऑफ मोर देन टेन इयर्स, ठीक है ठीक है वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स की रिकॉर्डेड कोर्स डब्ल्यू सी एम ई सी सी एस एन आई टी ठीक है तो थर्टी मंथ्स और फिफ्टीन मंथ्स का इंग्लिश का कोर्स बात करें तो वॉट यू हैव टू पे सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स सिक्स फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एटी एट सिमिलरली फॉर इंग्लिश दैट मीन्स जो हमने हिंदी में पढ़ाया है और इंग्लिश का कंटेंट है थर्टी मंथ्स और फिफ्टीन मंथ्स का इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको मिल रहा है ये आपकी सेविंग है तो ये भी आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे की बेनिफिट्स हैं उड़ान और बुनियाद बैच के जो कि एक ही बैच है और गेट ई एस सी आई एम एस सी एस सी मेन्स ठीक है जो कि 28 ट्वेंटी एट जनवरी को स्टार्ट हो चुका है ठीक है डब्ल्यू और ई सी के लिए इसको हम बैच बी इसका नाम है ठीक है और यहाँ पे की डिफरेंशिएटर्टर्स हैं क्या क्या इसके यू एस पीज़ हैं क्या डिफरेंशिएटर्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं लाइव के साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है एक्सेस मिलता है सारे गेट डिजिटल बुक्स का वेब और ऐप पे ठीक है एक्सेस मिलता है पी वाई क्यू डिजिटल सॉल्यूशन फ्रॉम 2011 2011 के टू थाउजेंड इलेवन का जितने भी पी वाई है वो सारे एक्सेस आपको मिलेंगे ठीक है टेस्ट सीरीज मिलेगी डेली दे, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मिलेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप देख रहे हैं ठीक, है? ठीक है ठीक है ठीक है अगर हम ई की बात करें तो अगर आप एक साथ नहीं लेना चाहते तो ई के बेसिस पे भी आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं ये देखिए ट्वेंटी फोर मंथ्स एटीन फिफ्टी अलग अलग आपको ई एम आई यहाँ पे पड़ रही है इसके लिए भी आपको कोड यूज करना होगा जी डबल वन डबल वन ये है डिफरेंसेज आपके प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में ये आपको प्लस में नहीं मिलता है ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है आपको आइकॉनिक में ठीक है गेट अकेडमी के अभी जो हमारे टॉप रैंकर्स हैं डबल ई सी के ये देखिए टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी टू तो ये टॉप रैंकर्स हमारे रह चुके हैं क्योंकि हमें पता है कि रैंक लाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये हमारा गेट एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए तो गेट एकेडमी ऑफिशियल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है यूज कोड जी ए डबल वन कोई भी आप चीज लेते हैं यहाँ पे तो वहां पे आपको कोड यूज करना है जी ए डबल वन डबल वन चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आर्मेचर रिएक्शन से री गुड आफ्टरनून सुमुखा रिशु वेरी गुड आफ्टरनून बहुत टाइम बाद बहुत टाइम बाद करेंगे आशुतोष उसको भी कंटिन्यू करेंगे चलो स्टार्ट करें आर्मीचर रिएक्शन की रिविजन से चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ठीक है आर्मीचर रिएक्शन लेट अ टू पोल मशीन मान लेते हैं कि एक दो पोल की मशीन है नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ठीक है एक है जनरेटर एक है मोटर जनरेटर की बात करें तो हमें पता है कि जनरेटर में फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल से हम इसका करंट का डायरेक्शन निकालते हैं फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल मतलब एफ बी आई तो जैसे हमें दिख रहा है यहां पे अगर मान लीजिए टी पी एम मतलब जनरेटर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है टी पी एम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इस पर फोर्स ऊपर लगेगा इस पर फोर्स नीचे लगेगा एफ बी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ आई देखो करंट अंदर जाता हुआ दैट इज क्रॉस यहाँ पे अगर मुझे निकालना है करंट का डायरेक्शन एफ अब देखो नीचे हो गया बी इधर है आई कहां होगा बाहर की तरफ मतलब अगर एक जनरेटर की बात करें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइम प्राइमूवर टॉर्क लग रहा है मतलब इस पे फोर्स उपर, इस पे फोर्स फोर्स ऊपर नीचे तो जो करंट का डायरेक्शन होता है जनरेटर में होता है यहाँ पे क्रॉस यहाँ होता है डॉट ठीक है वहीं अगर मैं मोटर की बात करूं मान लेते हैं कि हम एक कंडीशन मान रहे हैं कि डी मोटर में ये नॉर्थ है ये साउथ है और करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं ठीक है तो अगर हम यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं ठीक है

अगर हम यहां पे जनरेटर और मोटर का कंपैरिजन करें तो अगर आपकी मैग्नेट फील्ड एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और कंडक्टर में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है ये देखो क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट तो

बिल्कुल मैं स्पीड में रिवीजन करते आऊंगा ये रिवीजन है ये हम पढ़ नहीं रहे हैं यह हम रिवीजन कर रहे हैं बस चीज़ों को याद रखना है जो पॉइंट है मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा और हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे कोई नोट डाउन नहीं होगा कुछ नहीं होगा चलिए अब अगर हम बात करें कंपेरिजन बिटवीन जीएनए एंड एम एन ए जी एन ए दैट इज ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पोल जो पोल है हमेशा पोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर ये आपका

तो रिजल्टेंट फ्लिक मतलब नहीं कर रहेन परपेंडिकुलर में मगर आप है, जो तो होगा? होगा। मतलब जीएनए वो तो हमेशा परपेंडिकुलर ही आ रहा है एक्सिस ऑफ पोल मगर एम एन ए डिपेंड कर रहा है तो एम एन है तो एमएन इधर फ्लक्स इधर, तो इधर, इधर, तो इधर, इधर तो एमएनए इधर बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे ठीक है? देखते जाइए बस, ठीक है? अब दो टाइप की पोल पोलटिप के बारे में बात करूं लीडिंग पोलटिप टिप ऑफ द पोल फर्स्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रोटेशन इज नोन लीडिंग पोलटिप मतलब लीडिंग पोलटिप मतलब जब हम रोटेट करते हैं तो पहला पोल्टिप जो मिलता है बोलते हैं और वो पोलटिप जब हम रोटेट करते हैं पीछे छूटता हुआ मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रेलिंग पोलटिप जैसा कि अभी हम जिस एग्जाम्पल में जनरेटर और मोटर की बात कर रहे हैं ठीक है अगर मान लो जनरेटर है तो जनरेटर में हमने देखा प्राइम वो टॉक इधर है यहां सारे क्रॉस वाले करंट यहां सारे डॉट वाले करंट नॉर्थ साउथ अगर हम यहां पे रोटेट करेंगे स्पीड के डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो यह पोलटिप पहले पड़ेगी और यह पोलटिप पहले पड़ेगी जब इधर रोटेट करेगा रोटर तो पहली पोल्टिप यहां पड़ी है यहां ये यह दोनों क्या कहलाएंगे लीडिंग पोल्टि ये दोनों क्या कहलाएंगे ट्रेलिंग पोल्टेप क्योंकि जब रोटेशन हो रहा है तो पीछे छूटता हुआ यही है, ट्रेलिंग पोल्टि ट्रेलिंग बट अगर मैं मोटर की बात करूं तो इस पर डायरेक्शन में रोटेट करेगा अगर ये नॉर्थ ये साउथ होगा ये क्रॉस ये डॉट होगा तो अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटॉर्क स्पर्ट्यूल डायरेक्शन में होगा अगर इस पर डायरेक्शन में रोटर रोटेट करेगा तो पहला पोल्टिप कौन सा पड़ेगा ये और जब रोटेट होकर आएगा तो पहला वाला ये तो मोटर के लिए ये दोनों लीडिंग पोल्टिप है और ट्रेलिंग पोल्टिप ये दोनों है क्लियर बस एक ही चीज है मैं बढ़िया स्पीड में रिवीजन कराते जाऊंगा बस आप थम्स अप थम्स अप करते जाना कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं अपन ये रिवीजन सेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ सुनना है अगर आपको कोई लगता है कि सर ये चीज़ सर वेट या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है ठीके? कि ये सर ये फिर से बता दीजिए बिल्कुल बताऊंगा मैं ठीक है चल आगे बढ़ रहे हैं आगे तो ये होता है लीडिंग पोल्टिप और ट्रेलिंग पोल्टी थम्सिप कर दो मैं थोड़ी सांस भी ले लेता हूँ स्लाइड पर थोड़ी सी रिवीजन थक जाते हैं हाँ भाई सब करते रहना तो थोड़ा पता चलता रहेगा कि सब सही चल रहा है बढ़िया चलो आगे अब बात आती है आर्मेचर रिएक्शन की, की होता क्या है आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है केस वन लेट ओनली मेन फील्ड इज एक्साइटेड दैट इज ओनली मेन फील्ड फ्लक्स इज प्रेजेंट हमें पता है कि डीसी मशीन में फ्लक्स प्रोड्यूस करना मेनली फील्ड वाइंडिंग का काम है तो मान लो कि आर्मेचर में कोई भी करंट नहीं है सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल है और इसको जनरेट करने के लिए जो क्वाइल होती है जैसे मान लो यहां क्रॉस यहां डॉट यहां क्रॉस यहां डॉट तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से होगा ये देखो करंट यहां से अंदर जाएगा बाहर तो फ्लक्स का डायरेक्शन यहां फ्लक्स का डायरेक्शन अगर फ्लक्स का डायरेक्शन ये है तो ये हो गया नॉर्थ ये हो गया साउथ ये जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड फ्लक्स होता है उसे हम कहते हैं डी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होता है क्यू एक्सिस दैट इज क्वारचर एक्सिस तो ये हो गया डी एक्सिस फाइव एफ दैट इज फील्ड फ्लक्स एम एम एफ दैट इज फील्ड एम एम एफ ये हो गया क्वार एक्सिस तो अगर मान लीजिए आर्मीचर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सिर्फ फील्ड फ्लक्स होगा दैट इज मेन फील्ड फ्लक्स एफ एफ दैट इज मेन फील्ड एम एम एफ क्लियर है तो हम सब करो भाई नाउ सेकेंड ठीक है नाउ सेकेंड इफ करंट इज ओनली फ्लोइंग थ्रू द कंडक्ट ऑफ आर्मीचर दैट इज ओनली आर्मीचर फ्लक्स इज प्रेजेंट अब केस टू तो हमने ये मान लिया कि मान लो कि फील्ड फ्लक्स नहीं है सिर्फ आर्मीचर फ्लक्स है फील्ड फ्लक्स नहीं है मतलब यहां कोई करंट नहीं तो नॉर्थ और साउथ कुछ नहीं

तो सारा फ्लक्स कहां जा रहा है नीचे की तरफ दैट इज फाइव और दैट दैट इज इज फ्लक्स फ्लक्स और fa, that is और और हमें यहां पर दिख रहा है कि जो फ्लक्स अब देखो ये हम किसकी बात कर रहे हैं हमने एक जनरलाइज मतलब एक जनरलाइजेशन ले रहे हैं हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ करंट ले रहे हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं और उस पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं प्राइम टॉर्क

जितनी जल्दी अप करोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे डाउट होगा तो फट से पूछ दे वेट लिख देना आप तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ मेरे को पूछना है मेरे को पूछने में लिखने में टाइम लगेगा ठीक है चलो आगे केस थ्री अब केस थ्री ये हुआ केस थ्री ये हुआ कि भाई नॉर्मली तो आर्मेचर में भी करंट होता है

ठीक है तो देखो दोनों का रिजल्टेंट फाइव दोनों का रिजल्ट यहां चला गया अब यहां पे तो चला गया मगर अब आप देखो मैंने बताया कि मेनली फ्लक्स प्रोड्यूस करना किसका काम है फील्ड वाइनिंग का मतलब होना चाहिए था यहां पे फील्ड फ्लक्स, यह फ्लक्स के कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो थोड़ा नीचे आ गया कितने एंगल से आया बीटा एंगल से आया बीटा बेस परपेंडिकुलर हाइपोडीनियस टेन बीटा इक्वल टू फाइव अपन फाइव

in this phi is perpendicular to phif and armature reaction is producing the cross magnetizing effect kabhi aap se sawal pucha jata hai ki bhai armature reaction kaun sa effect produce karta hai dc machine mein it always produces cross magnetizing effect yaad rakhiye it always produces cross magnetizing effect theek hai to theek hai ha agar phi same direction mein hota to magnetizing hota opposite direction mein hota to demagnetizing hota perpendicular hai isliye cross magnetizing aur yahan hame dikh raha perpendicular है, that's why it is always a क्लियर है थम्स करो थम्सअप नहीं तो दिल बना दिया करो भाई बना दो सोचना मत क्या जाके क्लिक करना पड़ेगा फटाफट क्लिक कर दो और फिर हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे ठीक है बढ़िया बढ़िया ठीक है और लाइक भी कर दो जितने लोगों ने लाइक नहीं किया इस सेशन को अब देखे, अब देखिए देखिए क्या हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार रिएक्शन तो बहुत मजेदार है ठीक है देखो अब ये है नॉर्थ ये है साउथ ठीक है ड्यू टू आर्मी रिएक्शन अब देखो हम भी हमने देखा जो फाईआर है फाइआर है देखो फाई इधर जा रहा है मतलब जब दोनों का मिलन होगा मतलब किसका फाइए और फाइए का आर्मीचे फ्लक्स का और फील्ड फ्लक्स का तो फाइ इधर जा रहा है इधर जा रहा है मतलब इधर जा रहा है मतलब फायर बेसिकली इधर जा रहा है ठीक है अब देखिए ये नॉर्थ है ये साउथ है ये जीएनए था जीएनए तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा मगर ऐसा होने के कारण आया इसके परपेंडिकुलर और हमें पता है कि जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं नॉर्थ साउथ की क्रॉस डॉट की उसके हिसाब से जनरेटर का डायरेक्शन ये होगा मोटर का डायरेक्शन ये होगा इसका मतलब ये है कि द एमएनए शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर और इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोटर

एक हाफ में फ्लक्स बढ़ गया है और एक हाफ में फ्लक्स कम हो गया है क्लियर दूसरी बात इन जनरेटर अब जनरेटर की अगर हम बात करें देखो जनरेटर इस डायरेक्शन में उसके लिए लीडिंग पोल्टिप ये दोनों थे ट्रेलिंग पोल्टिप ये दोनों थे तो जनरेटर के लिए लीडिंग पे फ्लक्स कम हो गया ट्रेलिंग पोल्टिप पे फ्लक्स बढ़ गया इन जनरेटर फ्लक्स डिक्रीजेस इन लीडिंग पोल्टिप एंड

थम्स अप दिल बनाते जाओ स्लाइड अगली चलती जाएगी स्पीड में कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बिल्कुल रोक के बढ़िया चलो आगे अब मान लीजिए कि जब आर्मीचर रिएक्शन नहीं हो रहा था जब आर्मीचर रिएक्शन नहीं हो रहा था तो ये नॉर्थ ये साउथ था एक एग्जांपल हमने मान लिया कि भाई सारा फ्लक्स ऐसा ही जा रहा था फील्ड फ्लक्स उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था ठीक है अब मान लीजिए कि अगर सब सारा फ्लक्स इधर जा रहा होगा तो मान लीजिए एक लाइन डिफाइन करती है वन मिली को थु, 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 इस हाफ ऑफ द पोल शू में थ्री मिली hmm. में थ्री मिली बेबर थ्री मिली वेबर बढ़िया सब कुछ चल रहा था मगर आर्मेचर रिएक्शन हुआ आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमें पता है कि इस हाफ ऑफ द पोल शू में फ्लक्स बढ़ जाएगा ये देखो यहां दोनों जगह बढ़ गया और इधर कम हो जाएगा ठीक है बढ़ जाएगा कम हो जाएगा अब अगर मान लीजिए कि जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है वो लीनियर है लीनियर मतलब सेचुरेशन नहीं है मतलब सेचुरेशन नहीं है मतलब आप बढ़िया करंट को बढ़ाते जाओ फ्लक्स बढ़ता जाएगा सेचुरेशन नहीं आएगा अगर लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व है और अगर आप सेचुरेशन कंसिडर नहीं कर रहे हो तो होगा क्या होगा ये कि यहां पर तीन थे यहां पर तीन थे अब यहां पर आपका बढ़ना है तो दो इधर शिफ्ट हो गए तो यहां कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव यहां एक ही बचा वन मिली वेबर फाइव मिली वेबर सिमिलरली यहां पर हम बात करें दो इधर शिफ्ट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव एक यहां पे बचा मतलब इन वन हाफ द पोल शू फ्लक्स इंक्रीजेज इन अनदर हाफ ऑफ द पोल शू फ्लक्स डिक्रीजेज बट अगर मैं एवरेज फ्लक्स की बात करूं पर पोल तो पहले भी सिक्स थे अभी भी सिक्स हैं दैट मीन अगर आप सेचुएशन को कंसिडर नहीं करते हैं लीनियर मैग्नेटाइजेशन को फॉलो करते हैं तो फ्लक्स तो, तो पर पोल रिमेन सेम मगर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली क्या होता है सेचुरेशन होता है तो प्रैक्टिकली अगर हम सेचुरेशन की बात करें दैट इज इफ इज इज से तो अगर मान लीजिए यहां पे डिक्रीमेंट तो हो जाएगा फ्लक्स कम हो सकता है ये तीन में से एक बचा मगर ये तीन से पांच होना चाहिए था तीन से पांच होना चाहिए था तीन से पांच होना चाहिए था, था मगर सेचुरेशन के कारण तीन से चार ही हो पाया और अगर तीन से चार ही हो पाया तो अब एवरेज फ्लक्स कितना हो जाएगा चार प्लस वन दैट इज फाइव पहलेट फ्लक्स कितना था सिक्स अब कितना है फाइव दैट मींस दैट मींस इफ सैचुरेशन इज कंसिडर्ड ड्यू टू आर्मीचर रिएक्शन द एवरेज फ्लक्स पर पोल डिक्रीजेस तो एवरेज फ्लक्स पर क्या होता है डिक्रीज हो जाता है और ये होता ही है क्योंकि प्रैक्टिकली तो सेचुरेशन होगा क्लियर है थम सा बहुत दिल बना दो भाई फिर बढ़े आगे अगली स्लाइड में कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं वेट लिख सकते हैं आप हर स्लाइड पे यहां मेरा सेशन है सिर्फ डाउट क्लियर करना और रिवीजन कराना बेहतरीन तरीके से बढ़िया 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 चलो हाँ आशुतोष पूछो फिर से बता रहा हूं ठीक है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना

अगर आपने सेचुरेशन को कंसिडर किया सेचुरेशन मतलब आपको कह दिया गया क्वेश्चन भाई सेचुरेशन को कंसिडर करो प्रैक्टिकली होता भी है सेचुरेशन इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स इज लेस देन डिक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स मतलब इंक्रीमेंट उतना नहीं हो रहा जितना डिक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट मतलब तीन से एक तो हो गया मतलब माइनस हो गया मगर यहां प्लस टू नहीं हुआ क्योंकि सेचुरेशन के कारण तो ये तीन से हो जाना चाहिए था मगर चार ही हो पा रहा है और चार ही हो पा रहा है तो एवरेज फ्लक्स कितना चार प्लस वन इक्वल टू फाइव पहले कितना कितना चलो नेक्स्ट ठीक है तो यहां पर वही चीज को मैंने लिखा है इन फॉर लीनियम मैगनेशन इज कंसिडर्ड द्लक्स पर पोल रिमेन सेम इफ सेन इज कंसिडर्ड एवरेज फ्लक्स पोल डिक्रीजे तो भाई अगर आप सेचुरेशन को कंसिडर करोगे तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मगर अगर आप बोलोगे भाई सेचुर नहीं हो रहा है तो आर्मी से रिएक्शन के कारण कोई फ्लक्स पर पोल डिक्रीज नहीं होगा दट सेट ना

ये डिक्रीज हो गया तो हमारा जो आर्मीचर एम एफ होता है वो का होता है क्या होता है अप्रोक्सीमेट लेके ट्रेंगुलर ले लेते हैं तो नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मीचर एमएमएफ का वेव शेप कैसा है तो दैट इज ट्रेंगुलर है ठीक है अब हमें बताया फाइ ए कोल्डू एफ एन रिलेटेंस होता है ठीक है दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू एम एफ ऑन रिलेक्टेंस तो अगर मैं आर्मेचर फ्लक्स की बात करूं तो देखिए अब देखिए आर्मेचर फ्लक्स को कहां कहां रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है कॉर्नर्स पे होता है डी दे, देखो क्यू एक्सिस पे होता है यहां देखो आप ये जब फ्लक्स यहां पे है बीच में सेंटर दैट इज डी एक्सिस पे डी एक्सिस पे तो इतना सा रिलक्टेंस है बाकी सब कोर है मगर जैसे आप क्यू एक्सिस पे जाते हो तो देखो ये पूरा ईयर है तो यहां रिलक्टेंस ज्यादा ऑफर होता है ये देखिए आप

इसका वे शेप होता है सैडल टाइप ऐसे डबल डी एल ई सैडल शेप मतलब घोड़े पे बैठने का जो घोड़े पे बैठने का होता है ऐसे ही होता है ना घोड़े पे बैठने की जो होता है उसको हम क्या कहते हैं सैडल कहते हैं तो घोड़े पे जो बैठते हैं उसका जो शेप होता है उसको हम कहते है, तो हम कहते कहते हैं हैं सैडल तो इसलिए फ्लक्स का जो वेव शेप है वो क्या होता है सैडल टाइप होता है ठीक है वहीं अगर मैं बात करूं फाइव की तो फाइव के बारे में हमें पता होता है कि यहां पे अगर हम वेव शेप की बात करें तो ये आपका ट्रेपोजॉइडल होता है या फिर फ्लैट टॉप रहता है ये देखो ट्रेपोजॉइडल फ्लैट टॉप सका पाइय मतलब फील्ड फ्लक्स का अब हमें दोनों का रिजल्टेंट देखना है क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स है आर्मीचर फ्लक्स प्लस फील्ड फ्लक्स तो ये आपका ब्लू वाला जो है वो है फील्ड फ्लक्स तो फील्ड फ्लक्स प्लस आर्मीचर फ्लक्स ये देखो आर्मीचर फ्लक्स तो जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट बनाते हैं तो यहां पर देखो आप यहां पर आर्मीचर फ्लक्स नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इसने इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया रिजल्टेंट फ्लक्स को आगे गए दोनों पॉजिटिव आर्मीचर फ्लक्स भी और फील्ड फ्लक्स भी तो ये बढ़ गया अब ये बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ कि एक पे फ्लक्स कम हो रहा है एक पोल्टी पे फ्लक्स ज्यादा हो रहा है एक पोल्टी पे फ्लक्स कम हो रहा है दूसरे पोल्टी पे फ्लक्स ज्यादा हो रहा है यही हमने आर्मेचर रिएक्शन में देखा यहां पे भी यही हुआ एक पोल्टी पे फ्लक्स कम हो रहा है दूसरे पे ज्यादा हो रहा है मगर ज्यादा मतलब कितना ज्यादा सेचुरेशन भी हो सकता है सेचुरेशन होगा तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा बट ओवरऑल आप देखो दोनों के एड ऑन होने के कारण यहां पे पीक ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गया जो मैग्नेटिक फ्लक्स की पीक वैल्यू है पीक वैल्यू बढ़ गई पीक वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी थी कितनी हो गई क्यों क्योंकि ने उसको इंक्रीज कर दिया इसका मतलब यह है एवरेज फ्लक्स पर पोल डिक्रीज होता है मगर पीक ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन क्लियर है क्लियर है तो थम्स अप करो आगे बढ़ते हैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया

पी फाई एनजेड अपन सिक्सटी ए अगर एवरेज प्लक्स पर पोल डिक्रीज होगा तो ई e की वैल्यू कम हो जाएगी भाई मैंने एक जनरेटर आपको दिया कि भाई आप 200 हंड्रेड वोल्ट का डी सी जनरेटर बना दो अब आप आपने जनरेटर बना दिया जैसे हमने उसे कनेक्ट किया आर्मी से रिएक्शन हुआ 200 हंड्रेड वोल्ट का बनाने को बोला था एक सौ वोल्ट मिल रहे हैं। सही नहीं है पैसे नहीं देंगे आपको ठीक है अब उसके लिए क्या किया जाए तो बोले काम करते हैं ये फाइव की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है तो इसको बढ़ाने के लिए किसी और तरीके से हम इसको बढ़ा देते हैं मान लीजिए हम फ्लक्स ही कम हो रहा है अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे इंडक्टेंस बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा अब नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कॉस्ट बढ़ गई मतलब जनरेटर की कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू टू आर्मेचर रिएक्शन इन जनरेटर डिक्रीजेस कंपनसेट दिस नंबर ऑफ फील्ड पोल्स अगर हम फील्ड पोल्स नंबर ऑफ फील्ड पोल्स को बढ़ा देते हैं या कोई भी कॉन्स्टेंट को वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण एक प्रकार से हमारी कॉस्ट क्या हो जा रही है

ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन पीक ऑफ द मैनी फ्लक डेंसिटी इंक्रीजेस हेंस आयरन लॉस इंक्रीजेस अभी हमने देखा वेव शेप पे ये देखो वेव शेप पीक ऑफ द मैनीफ्लक डेंसिटी बढ़ रही है पीक ऑफ द मैनीफ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा आयरन लॉस इंक्रीज होगा तो हमें ये याद रखना है स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है यार एक जगह बोल रहे हैं सर फ्लक्स कम हो रहा है दूसरी जगह बोल रहे हैं पीक वैल्यू बढ़ रही है पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों डिफरेंट है आपको याद रखना है एवरेज फ्लक्स कम होता है मगर पीक ऑफ द मैनी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है ठीक है प्रेम सागर में दिखा दे रहा हूं ये देख लो ये देखो आर्मीचर एमएमएफर आर्मीचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स फ्लैट टॉप बस यही तीन होते हैं चल ड्यू टू आर्मीचर रिएक्शन एमएन शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर और इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोटर दिस रिजल्ट इन डिलेड कम्यूटेशन आगे चल के हम देखेंगे डिलेड कम्यूटेशन क्या है तो अभी इतना पता है कि आर्मीचर रिएक्शन के कारण एम एन एफ्ट हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर और इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ़ द मोटर मोटर का डायरेक्शन ये है जनरेटर डायरेक्शन ये है तो जनरेटर के डायरेक्शन में एम एन ए शिफ्ट हो गया मोटर के डायरेक्शन में अपोजिट शिफ्ट होता है ठीक है तो ये हमें याद रखना जिसके कारण यह हमेंटिशन होता है वह हम डिलेट कॉम्पटिशन में देखेंगे क्लियर है तो ना मैथड टू रिड्यूस मैथड टू रिड्यूस आर्मीचर रिएक्शन क्या मैथ होते हैं इंटरपोल कंपोल्स और कंप्य पोल्स। तीनों के एक ही नाम होते हैं इंटरपोल्स कंपोल्स और कंप्यूटेटिंग पोल्स क्या क्या फीचर्स होते हैं यह हमेशा इंटरपोलर एक्सेस पे लगते हैं या क्यों एक्सेस पे आप बोल सकते हो इंटरपोल्स प्लेस अलॉन्ग द इंटरपोलर एक्सेस ठीक है ये क्यों यूज होता है इट इज यूज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अलॉन्ग द इंटरपोलर एक्सिस बाई प्रोडिंग स्मॉल फ्लक्स यहां पर क्या होता है हम इंटरपोज को कहां लगाते हैं परपेंडिकुलर में लगाते हैं इसके जिससे हम क्यू एक्सिस के अलॉन्ग इसके आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सकें इसकी पोलरिटी कैसे होती है अगर ये नॉर्थ ये साउथ है तो जनरेटर की डायरेक्शन में टू सेम टू दैट ऑफ द मेन पोल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द अगर मोटर की डायरेक्शन है तो अपोजिट टू दैट ऑफ द मेन पोल मतलब जनरेटर का डायरेक्शन ये है हमें पता है तो अगर जनरेटर के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो अगला पोल अगर साउथ है तो खुद साउथ होगा अगला नॉर्थ है तो खुद नॉर्थ होगा अगर मोटर के डायरेक्शन में देखें तो अगला नॉर्थ है तो खुद साउथ होगा अगला साउथ है तो खुद नॉर्थ होगा तो इस तरीके से इसकी पोलरिटी हम डिसाइड करते हैं ठीक है और क्या फीचर्स होते हैं दूसरी बात इंटरबोल्स को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के याद रखना है क्यों क्यों करते हैं भाई अगर मान लीजिए हमने आर्मेचर करंट वेरी करेगा तो आर्मेचर फ्लक्स वेरी करेगा आर्मेचर फ्लक्स वेरी करेगा तो आर्मेचर रिएक्शन रियक्शन वेरी करेगा तो हम जो कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उसी के साथ करना चाहिए आई ए आर्मेचर रिएक्शन इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग इफ द आर्मेचर करंट दर्म द आर्मेचर रिएक्शन वेरीज द कंपनसेशन प्रोवाइडेड बाई इंटरपोल्स शुड आल्सो ऑल्सोज इसीलिए हम इंटरपोल्स को क्या लगाते हैं सीरीज में लगाते हैं ठीक है नाउ सेकंड मेथड टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन कैन बी रिड्यूज बाय इंक्रीजिंग द रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स हम क्या करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में रिलक्टेंस को इंक्रीज कर दें क्या करते हैं ये जो मेन पोल है यहां पे हम क्या करते हैं होल्स कर देते हैं होल पंचिंग कर देते हैं अब आर्मीचर फ्लक्स इधर से जा रहा है उसके रास्ते में होल्स पड़ेंगे होल मतलब एयर एयर मतलब रिलक्टेंस रिलक्टेंस रिलेगा तो फ्लक्स कम होगा आर्मीचर रियक्शन फ्लक्स इट कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग द रेक्टेंगुलर होल्स इन द लैमिनेटेड पोल शू जो लैमिनेटेड पोल शू है उसमें रेक्टेंगुलर होल्स हम प्रोवाइड करते हैं क्लियर है थम्सअप करो भाई थम्स अप करो थम्सअप बोल सकते हो आशुतोष बिल्कुल और यहां पे ऐसा कोई वर्ड तो पढ़ने में नहीं आता है ठीक है नाउ थर्ड पॉइंट द आर्मीचर रिएक्शन इज सीवियर एट एजेस ऑफ द पोल शू इफ नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप इज प्रोवाइडेड दैट इज मिनिमम एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट कॉर्नर्स सो आर्मीचर रिएक्शन डिक्रीजेस दिस टाइप ऑफ पोल शू इज नोन एज एसेंट्रिक और चैम्फर्ड पोल शूज तो यहां पर हम क्या करते हैं हमें पता है कि ये जो आर्मीचर रिएक्शन होता है ये सबसे ज्यादा सीवियर होता है कॉर्नर्स पे तो हम क्या करते हैं पोल शू को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि यहां पर एयर गैप ज्यादा हो कॉर्नर्स पे और सेंटर पे एयर गैप आपका कम हो इस टाइप के जो पोल शू होते हैं इसे हम कहते हैं इसेंट्रिक पोल शू और चैम्फर्ड पोल शूज तो इससे भी हमारा आर्मेचर रिएक्शन आपका रिड्यूस होता है तो इसेंट्रिक और चैम्फर्ड पोल शू हम इसे कहते हैं ना बायजिंग कंपलसिटी माइंडिंग इंटरपोल से हमने क्या किया Along the Q -axis, को करने के लिए हम जो पोयल फेजेस है वहां पर जैसी आर्मीचर वाइनिंग होती है वैसी ही यहां पर प्लेस की जाती है ठीक है इन इसको इस तरीके से प्लेस किया जाता है और इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि अगर यहां सारे

ठीक है और यहां पे भी जैसा इंटरपोल्स की वाइंडिंग को हम आर्मीचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करते हैं वैसे ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कनेक्शंस को भी हम आर्मीचर वाइंडिंग के सीरीज में लगाएंगे क्यों क्योंकि अगर आर्मीचर करंट कम ज्यादा होगा आर्मीचर फ्लक्स कम ज्यादा होगा आर्मीचर फ्लक्स कम ज्यादा होगा तो आर्मीचर रिएक्शन कम ज्यादा होगा आर्मीचर रिएक्शन कम ज्यादा होगा तो हम चाहते हैं कि जो कंपनसेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कम ज्यादा हो है? बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल सही है आपका एमएसक्यू क्यू मेरे को लगता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आ सकता है बिल्कुल क्योंकि मशीन ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे काफी जगह घुमाया जाता है बातों को बातें घुमाने वाली बहुत सारी है तो एमएसक्यू क्यू यहां से अच्छे बन सकते हैं चलो थम्स अप कर दो भाई दिल बना दो क्लियर है सबको आगे बढ़े पीला दिल बना रहा तुम लोग चलिए अच्छा चलो देखो ना अब अगर हम बात करें टोटल आर्मी करंट दैट इज आईए करंट इन अ पर्टिकुलर

नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल कितने होंगे तो Z by 2P सो टोटल आर्मेचर एम्पीयर टर्न्स पर पोल IA by A into Z by 2P that is IA Z upon 2PA और यही वैल्यू होती है पीक ऑफ द आर्मेचर MMF की क्लियर है ठीक है आगे बढ़ रहे हैं सिंपल है तो फॉर्मूले हैं ठीक है टोटल फॉर्मुले की बात कर रहा हूं ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि कोई भी फैकल्टी नहीं बोलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है मगर मैं बोलूंगा ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट कम है ज्यादातर गेट का फोकस इस पर कम रहता है गेट का फोकस दूसरी चीज़ों पर ज्यादा रहता है इस पर इंजिन सर्विसेज का फोकस ज्यादा रहता है इंजिन सर्विसेज में क्वेश्चन आ जाते हैं इस बार भी लास्ट टाइम भी आ गया था ठीक है तो इंजिन सर्विसेज का इस पर फोकस ज्यादा होता है ये जो कम्पलिटिव माइंडिंग है एम्पियर टर्न है इन सब पे ठीक है बट गेट का थोड़ा फोकस कम रहता है नाइन्टीज में या टू के आसपास पूछा गया था एक बार कंपलसटिंग में उसके बाद पूछा नहीं गया मगर याद रखना है क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जिसको तो छोड़ दो आप ठीक है तो टोटल फॉर ट्रांसफर पोलिंग आई एडा पॉइंट टू पी ए इंटू पोलॉरक पोल पेज पोल पर पोल जेडा पॉइंट टू पी ए टू पोल पेज कंडक्टर पोल जेडा पॉइंट पी ए पोलारकॉन पोल पेज अरे उसमें तो बस दोनों का एड करना है और क्या क्या आ गया देख चल ना एम्पियर पोल फॉर द इंटरपोल वाइंडिंग विदाउट कंपनसेट अगर कंपनिंग के बिना बात करें तो आई एस डेड अपन टू पी ए प्लस बी आई एल जी आई अपन म्यूनॉट ठीक है विद कंपनसेटिंग माइंडिंग आई एसन टू पी एपन एल जी आई माइनस जो कंपनसेट माइंडिंग ने प्रोवाइड किया था वो माइनस कर दो आई एस डेड अपन टू पी एलर अपन पोल पिच ठीक है जिसमें बी आई होता मैगनी फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द इंटरपोल्स एल जी आई होता है एयर गैप लेंथ बिटवीन इंटरपोल्स म्यूनोट इज फोर पॉइंट टू माइनस वन ठीक है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी तो देखो आर एन सिर्फ ये वाला याद रख लो ये वाला ये वाला फॉर्मूला बस अगर विदाउट कंपल्सिट वाइंडिंग बोलेंगे तो यही अगर विद कंपल्स वाइंडिंग हो तो ये माइनस कर दो चलो आगे बढ़े ना कम्यूटेशन पे आ गए भाई कम्यूटेशन कम्यूटेशन नहीं पहचाना भाई नहीं पहचाना मैं अब नाम से कैसे पहचाऊंगा बताओ प्रिंस तो नहीं है या राजनंदनी अच्छा आ रहे हैं ओके राजनंदनी ओके ओके ठीक <laughs> है देखते हैं देखते हैं देखते हैं ठीक है आशुतोष ठीक है चलो कम्युटेशन कम्यूटेशन कम्यूटेशन अगर हम कम्यूटेशन की बात करें नॉर्थ साउथ हमें पता है कि अगर हम एक ही कॉइल की बात करें तो जैसे ये एक कॉइल है इसमें क्रॉस यहां है, का डायरेक्शन ये है मोटर का डायरेक्शन ये ये जैसे ही यहां पे पहुंचता है क्यू एक्सिस के लॉन्ग पहुंचता है तो हमें पता है जब ये क्यू एक्सिस के क्या पहुंचता है तो ये एक ही कॉइल के तीन जगह बता रहा है कि ये पहला एक ही कॉइल है जिनकी तीन लोकेशन बता रहा है पहली लोकेशन येलो देन ग्रीन देन वायलेट तो अगर हम बात करें यहां पे येलो यह तो इस पर्टिकुलर पे हमें पता है कि ये ये वाला वाला कंडक्टर कंडक्टर नॉर्थ के के में, में। साउथ तो एक में क्रॉस एक में डॉट मतलब करंट का डायरेक्शन ये है तो इसमें इंड्यूस इंड्यूज होगा प्लस माइनस ईसी करंट का डायरेक्शन होगा जैसे ही क्यू एक्सिस के लॉन्ग पहुंचता है क्यू एक्सिस क्यू एक्सिस के लॉन्ग मतलब, -ग्री, मतलब, मतलब कोई भी फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो जीरो करेंट आईसीक्वल टू जीरो मगर जैसे ही ये कंडक्टर आगे की तरफ शिफ्ट होता है अब ये मतलब ये वाला कंडक्टर पहले यहां था फिर यहां फिर यहां गया तो ये वाले कंडक्टर में पहले क्रॉस था था अब ये डॉट साउथ के इन्फ्लुएंस में आ गया डॉट पहले साउथ के इन्फ्लुएंस में था डॉट अब नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में क्रॉस तो क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब जब भी क्वाइल आपके क्यू एक्सिस को पास करता है

आइए अब देखते हैं यहां पे एक सिंपल सा डेरिवेशन था डेरिवेशन में मैंने यह बताया था कि भाई जो क्वाल है अब क्वॉल में जैसे करंट का रिवर्सल होगा इंडक्टेंस होगा उसका कुछ ना कुछ तो एक हमने उस पर इक्वेशन लिखी इक्वेशन लिख के हमने आखिर में टाइम निकाला कि कितने टाइम में आपका वो करंट चेंज होगा ठीक है प्लस आईसी से माइनस आई तो इनवर्स लेप्लास देखिए देखो आईसी की वैल्यू ये आई थी डायरेक्ट डेरिवेशन पे आई ये देखो ये टाइम आ गया कितना टाइम में होगा दैट इज टू एल सी आई सी अपन ई सी

बट अगर मान लीजिए टाइम टीवन इज ग्रेटर देन हो गया मतलब जिस टाइम में करंट रिवर्सल हो रहा है वो रिवर्सल में टाइम ज्यादा लग रहा है और टीसी टाइम मतलब वो कि वो कि पहुंच तो गया मगर करंट रिवर्स नहीं हो पाया तो उसको हम कहते हैं डिलेड और अंडर कम्यूटेशन अगर रिवर्सल जल्दी हो गया मतलब टीवन टाइम कम इन कंपेरिजन टू तो टीसी मतलब कंडक्टर पहुंचने से पहले ही करंट रिवर्स हो गया दिस इज नोन एज एडवांस ऑफ ओवर कम्यूटेशन वेरी गुड रिश्व बिल्कुल सही है बिल्कुल सही करू ना बिल्कुल सही है। वो फॉर्मूला भी आता है क्लियर है ठीक है अब यहां पे हम एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं कि लेट अ वेव बाउंड बाउंड और विद नंबर ऑफ़ पोल्स टू मतलब करेंट आई है तो करंट इन कॉइल में करंट कितना हो जाएगा दई बाई टू तो IC IA by two, तो ठीक है एग्जाम्पल एक एक लेकर बात की मान की वैल्यू टू आईसी के बराबर है अब यहां पे तीन केसेस की बात कर रहे हैं ये है आपका ब्रश ये आपका कंप्यूटर सेगमेंट ये है आपका माइका इंसुलेशन ठीक है और ये आपकी कॉइल्स आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड तो ब्रश, ब्रश में करंट कितना हो रहा है

पूरा आईसी हो जाएगा यह बिल्कुल बहुत बढ़िया चला कि जैसे जैसे आपका कम्यूटेटर सेगमेंट से ब्रश शिफ्ट होते जा रहा है ब्रश शिफ्ट होते जा रहा है ब्रश शिफ्ट होते जा रहा है फाइनली जी जब वो एक कम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में पहुंच गया तो ये जो करंट का डायरेक्शन देखो इस स्क्वाइल में पहले प्लस आईसी इधर था अब प्लस आईसी इधर हो गया तो सब कुछ बढ़िया हुआ मतलब टी वन इज टू टी सी दैट इज आइडियल कम्यूटेशन प्रॉपर कम्यूटेशन लीनियर कम्यूटेशन सब कुछ बढ़िया हुआ मगर अगर मान लीजिए इस केस की जगह ये केस होता ये केस मतलब डिलेड डिलेड मतलब मतलब कि की 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 वैल्यू की वैल्यू टी -सी से की वैल्यू टी -सी से से ज्यादा ज्यादा मतलब जो आपका ब्रश है वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे तो पहुंच गया मगर करंट आपका यहां पे प्लस आईसी से प्लस आईसी से माइनस आईसी नहीं हो पाया उसमें यह वाले करंट की स्टेज रह गई मतलब करंट का रिवर्सल स्लो हो गया और ब्रश आपका इधर शिफ्ट हो गया मतलब ये वाले स्टेज की जगह अगर ये स्टेज होता जिसमें कि ब्रश तो आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता मगर यहाँ पे जो करंट है वो तो आपको यही रह जाता IC -I. अगर ये रह जाता है तो अब आप देखो यहाँ से करंट जा रहा है अब हम हाँ बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से स्मॉल स्मॉल जाएगा यहां से ic -I जाएगा i यहां से से अब ये को जाना है अब स्मॉल आई को अगर यहाँ से जाना है तो वो जाएगा कैसे यहाँ तो इंसुलेशन है तो वो एयर के थ्रू जाएगा एयर के थ्रू जाएगा मतलब आर्क एयर के थ्रू मतलब आयोनाइजेशन आयोनाइेशन मतलब आर्क फॉर्म होगी जैसे सर्किट ब्रेकर में होता है दैट इज ड्यू टू डिलेड कम्यूटेशन क्लियर है तो डिलेड कम्यूटेशन के कारण क्या हो रहा है इफ देर इज इज अ डिलेड कम्यूटेशन और कम्यूटेशन इज नॉट प्रॉपर सो देर इज अ स्पार्किंग इन द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश तो ब्रश का जो ट्रेलिंग एज है पीछे वाला उस पर आपका स्पार्किंग होगी बट अगर हैवी लोड हुआ मतलब लोड ज्यादा हुआ बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो आपका फ्लैश ओवर भी हो सकता है चलिए रीजन क्या क्या होते है है, हैं कि रिवर्सल होता है तो हमेशा इंडक्टेंस उसको अपोज करता है इंडक्टर अपोज करता है तो वो चेंज नहीं होने देगा जल्दी से प्लस आईसी को माइनस आईसी होने में इसलिए डिलेड कॉम्पिटेशन होता है तो पहला रिएक्टेंस वोल्टेज रिएक्टेंस वोल्टेज मतलब इंडक्टर ऑलवेज अपोज द चेंज इन द करेंट तो इट इन डिलेड रिजल्टन दूसरा रीजन नाम तो बहुत अच्छा है रोटेशनल ई रोटेशनल एफ ई का मतलब क्या हुआ रोटेशनल ई का मतलब यह हुआ अभी हमने देखा था कि आर्मी रिएक्शन के कारण एम शिफ्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ठीक है अब मान लो कि एमएनए शिफ्ट नहीं होता है एमएनए यहीं रहता है अगर एम यहीं रहता है आर्मी रिएक्शन नहीं है तो बढ़िया करंट का रिवर्सल क्रॉस डॉट से डॉट क्रॉस हो गया ठीक है मगर अगर रिएक्शन के कारण अगर शिफ्ट हो जाता है तो यहां पे जो कंडक्टर है वो अभी भी नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में रहेगा और यहां का कंडक्टर अभी भी साउथ के इन्फ्लुएंस में रहेगा मतलब करंट रिवर्सल यहां ना होकर यहां ना होके कहा हो रहा है यहां पर रिवर्सल हो रहा है अगर रिवर्सल यहां हुआ क्योंकि ब्रशेस तो यही है इलेक्ट्रिकली अगर करंट का कर रिवर्सल यहां हुआ तो ये एक प्रकार से लेट रिवर्सल हो रहा है रेट रिवर्सल हो रहा है मतलब

इम्प्रूव करने की ठीक है मैथड्स क्या क्या हो सकते हैं रोड कंपिटन इम्प्रूव करने की एक होता है रेजिस्टेंस कंपटिशन एक होता है वोल्टेज कम्पिटीशन एक होता है कम्बलिटी वाइडिंग वोल्टेज कम्पिटिशन में दो होते हैं ब्रश शिफ्टिंग और इंटरपोल्स अब मैं बताऊं अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें डीसी मशीन में ब्रश शिफ्टिंग नहीं की जाती है इंटरपोल से ज्यादातर यूज़ किए जाते हैं ठीक है थीके? अब ज़्यादा यूज किए जाते हैं इसीलिए इसीलिए आप देखेंगे क्वेश्चन भी इंटरपोल से ही पूछे जाते हैं ब्रश शिफ्टिंग से कम पूछे जाते हैं क्योंकि गेट ये जानता है कि जो करंट

डिपेंड करता है आर के ऊपर अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम कांस्टेंट कम होगा करंट रिवर्सल जल्दी हो जाएगा तो यहां पे यही दिखाई है इफ दिस अब ये रेजिस्टेंस को बढ़ाएं कैसे तो हम कार्बन ब्रश यूज करते हैं कार्बन ब्रश और कॉपर जहां कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश टकराते हैं दोनों का जो कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस होता है वो होता है ज्यादा ठीक है इफ दिस इन दिस कार्बन ब्रश इज यूज बिकॉज द कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एंड कॉपर इज हाई सो इट प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस द टाइम कॉन्स्टेंट डिक्रीजे एंड द करंट रिवर्सल वुड बी फास्टर ठीक है और भी रीजन लिखे हुए हैं कि कार्बन ब्रश हम क्यों यूज करते हैं इट इज नॉट एज हार्ड एज कॉपर व्हेन इट प्रोवाइड स्मूथ सर्विस प्रॉपर्टी लेस डैमेज ड्यूरिंग स्पार्किंग तो ये फायदे होते हैं कार्बन ब्रशेस के ठीक है वोल्टेज कॉम्पिटिशन की बात करें सेकंड वन वोल्टेज की जिसमें हम ब्रश शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो ब्रश शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था ब्रशेस अगर यहां रहते थे तो प्रॉब्लम थी ब्रश यहां थे और करंट रिवर्सल डिले हो रहा था तो हम क्या करें ब्रश शिफ्ट ब्रश को ही शिफ्ट कर दें अगर हम ब्रश शिफ्ट कर दें इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर और इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोटर तो कॉम्पिटेशन इंप्रूव हो जाएगा और यहां पे हमारा इंप्रूव हो रहा है कार्बन आर शिफ्टेड इन इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑफ जनरेटर और टू दैट द मोटर कम्पिटन इंप्रूव बट इट कॉजेज एडिशनल डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट वो बट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देते हैं उसको हम ब्रश शिफ्टिंग में देखेंगे ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट बाय यूजिंग इंटरबोल्स अब देखिए आप जब हम इंटरपोल्स यूज करते हैं जैसे ये मेन पोल है नॉर्थ साउथ हमें पता है इंटरपोल की पॉलिटी कैसी होती है साउथ नॉर्थ अगर ये क्रॉस इधर डॉट है अब देखो क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे साउथ यूज किया या नॉर्थ यूज किया तो हमें पता है यहाँ पे फ्लक्स कहाँ से आएगा नॉर्थ टू साउथ ऐसा एक फ्लक्स जा रहा है अगर ऐसा एक फ्लक्स जा रहा है तो एक न्यूजियम एफ करके जिससे करंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा हमें पता है ये रिवर्सल में डिले हो रहा था क्रॉस से डॉट हो जाना चाहिए था मगर होता नहीं किसी प्रॉब्लम के कारण हम उसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसको हम चाहते हैं कि जल्दी से वो इधर हो जाए तो एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दें तो वो करेगा तो ये जो इंड्यूज होता है इस इंटरपोल के कारण वो इस क्रॉस को जल्दी से डॉट कर देता है नॉर्थ साउथ इस डॉट को जल्दी से क्रॉस कर देगा दैट मींस इंटरपोल इंडियूज एंड एडिशनल ई इन कंडक्टर विच अपोज द रोटेशनल ई एम एफ हेन्स कमेशन इंप्रूव तो कम्यूटेशन क्या हो जाता है आपका इंप्रूव हो जाता है बाय यूजिंग द इंटरपोल्स लास्ट वन बाय यूजिंग कंपल्सरी माइनिंग अगर हम कंपलसटी माइंडिंग यूज करते हैं ड्यू टू कंपल्सरी माइंडिंग हमें पता है आर्मेचर रिएक्शन कम होता है कंपल्सिटी माइंडिंग डायरेक्टली कंपिटिशन इंप्रूव नहीं करता है कंपल्सिटी माइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है आर्मीचियर रिएक्शन कम होगा तो एम एन शिफ्ट नहीं होगा एम एन शिफ्ट नहीं होगा तो रोटेशनल ई कम होगा रोटेशनल ई कम होगा तो कम्पिटेशन इंप्रूव हो जाएगा अब देखो इस पर ना गेट में क्वेश्चन आया था इसलिए एक बार यही चीज इसी पॉइंट पे इंटरपोल डायरेक्टली आर्मी रिएक्शन को रिड्यूस करता है तो कम्पिटिशन तो भी इंप्रूव करता है मगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग डायरेक्टली कम्पिटिशन इंप्रूव नहीं करता है प्रिफर्ड वाइज ये आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करेगा हाँ उससे कम्पिटिशन इंप्रूव हो जाएगा तो बात अलग है तो इस पर गेट में क्वेश्चन आया था उसी के लिए ये पॉइंट मैंने लिखवाया था इंडली वे में रिड्यूस करता है बिल्कुल ठीक है अच्छा ब्रश शिफ्टिंग का स्पेशल केस भी देख लो भाई देखो स्पेशल केस ऑफ ब्रश शिफ्टिंग इफ कार्बन इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर और इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोटर नॉर्थ साउथ क्रॉस डॉट जनरेटर डायरेक्शन मोटर डायरेक्शन अगर ये होता है और मैं ब्रश को इधर शिफ्ट कर देता हूं इसके डायरेक्शन में तो मुझे पता है इंप्रूव होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं कॉम्पिटिशन इंप्रूव और क्या होगा अब देखो

दूसरी बात एवरेज फ्लक्स पर पुल डिक्रीजेस अब हमें पता है कि भाई फ्लक्स डी इफेक्ट कर रहा है मतलब फ्लक्स कम हो रहा है अगर फ्लक्स कम होगा तो जनरेटर के, के केस में इंड्यूस ईएमएफ कम होगा ठीक है वहीं मैं मोटर की बात करूं तो मोटर में मोटर का काम का क्या होता है स्पीड एन इज ओपन के एन फाइव अगर फाइव कम होगा तो स्पीड बढ़ जाती है तो मोटर के केस में अगर ब्रश को आप शिफ्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर तो मोटर के केस में स्पीड बढ़ जाती है जनरेटर केस में इंड्यूस ईएमएफ कम हो जाता है ज शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोटर मगर अगर आपने ब्रशेज को इधर शिफ्ट कर दिया इधर और इन अपोजिट डायरेक्शन टूट ऑफ द जनरेटर जनरेटर डायरेक्शन है ब्रश को आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो कॉम्बिडेशन तो खराब होना ही है भाई कम्बिडेशन तो तब इंप्रूव होता है जब एम की डायरेक्शन आप करते हैं एमएनए इधर है शिफ्ट आपने इधर कर दिया तो कॉम्बिडेशन तो खराब हो गया दैट इज कॉम्बिटेशन वर्सन दूसरी बात अब देखो पूरा इधर जाएगा अगर पूरा फाइए इधर जाएगा तो इसका मतलब फाइए के दो कंपोनेंट ये कंपोनेट फाइएस कर रिएक्शन इज पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पार्शियली मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बढ़ेगा जनरेटर में फ्लक्स अगर बढ़ा तो ईएमएफ बढ़ेगा मोटर के केस में फ्लक्स अगर बढ़ा तो स्पीड कम होगी दैट्स इट तो ये था आपका एक घंटे में रिवीजन आर्मी रिएक्शन और कम्पिटेशन का कैसा रहा अब यार कैरेक्टरिस्टिक की तो मेरी हिम्मत नहीं है एक घंटे से लगातार बोल रहा हूं तो कैरेक्टरिस्टिक अपन कल करेंगे ठीक है टाइम मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा तो जितने लोगों ने पढ़ के रखा होगा आर्मी रिएक्शन और कम्पिटेशन उनको एकदम एक घंटे एक में पूरा एक एक पॉइंट हमने बोला है जो एकदम और सीक्वेंस में बोला है ऐसा भी नहीं कि किसी चीज को बिना रीजन के मैंने चीजें बोली हर चीज को रीजन के साथ बोलता गया तो सारी चीजें रिकॉल हो गई क्योंकि गेट ऐसा एग्जाम है कि आप विदाउट रीजन चीजों के बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है एंड डिजल याद करके चले और रीजन नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है उसका कल करेंगे ना कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो ना आशुतोष कल करेंगे रिशि ये तो है बहुत ज्यादा ये बोलने में मालूम है ये एक घंटे जो हम बोल रहे हैं ना वो आठ घंटे काम करने के बराबर इतनी एनर्जी चली जाती है ठीक है चलो आज यही क्लोज कर रहे हैं कल मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर और मोटर एक साथ बताऊंगा विद सीक्वेंस बताऊंगा वो भी विदाउट रीजन कहीं हम कोई बात नहीं करेंगे विद सीक्वेंस बताऊंगा और वो भी बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि स्टूडेंट को कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है तो मैं बताऊंगा याद भी कैसे रखना है और उसको विद रीजन हमें याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच कल मिलते हैं बाय बाय